हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। घायल नंदी को भेजा पांजरा पोल। समीपवर्ती पोसालिया मालियों के वास में एक नंदी के घायल अवस्था में पड़े मिलने की सूचना पर गौ सेवक कैलाश माली ने मौके पर पहुंचकर नंदी का उपचार शुरू करवाया। उसके बाद में वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने इसके चारे पानी की व्यवस्था की। इसके बाद में उसे गौशाला भेजने का निर्णय लिया गया। नंदी की हालत खराब होते देख ओम श्री गजानंद सेवा मंडल अध्यक्ष मंगल कुमार मीणा को सूचना दी। उन्होंने पशु एम्बुलेंस के अभाव में किराए का वाहन रवाना किया गया। कोसालिया के कार्यकर्ताओं ने चंदा एकत्रित कर वाहन के किराए की व्यवस्था की गई। घायल नंदी को गौ भक्तों ने कड़ी मशक्कत के बाद वाहन में रखा। बाद में उसे पांजरा पोल पर लाई गौशाला रवाना किया गया, जहां उसका उपचार शुरू किया जाएगा। माली ने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए गौ माता की सेवा में तत्पर रहने की बात कही। पशु एम्बुलेंस की कमी के कारण दो दिन तक वाहन का इंतजार करना पड़ा। आखिरकार किराए के वाहन के माध्यम से घायल पशु गौशाला भेजा गया। सदस्य मीणा ने बताया कि पशु एम्बुलेंस की मांग लंबे समय से की जा रही है, पर सरकार और प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। पशु काल का ग्रास बनते जा रहा है। हमने मुख्यमंत्री राज्यपाल तक गुहार लगाई है, पर अब तक कोई लिखित आश्वासन नहीं मिला है। ऐसे में कार्यकर्ता में भारी रोष है। आए दिन सड़क दुर्घटना में घायल पशु सड़क किनारे पड़े रहते हैं। इलाज के अभाव में उनको पशु एम्बुलेंस की कमी के कारण समय पर गौशाला चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं। यदि टोल प्लाजा पर एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराई जाए तो समय पर घायल पशुओं को गौशाला भेजा जा सके। इस दौरान नरेंद्र सिंह, रघुवीर सिंह, संजय माली, निखिल परमार, खुशाल परमार, नरेंद्र माली, ईश्वर, डॉक्टर धारा सिंह, चिंटू माली, मनीष परमार, छगन रावल आदि मौजूद रहे। जागरूक टीवी के पोसालिया से कल्पना माली की रिपोर्ट।